अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए थे, जिसके बाद एएमयू में धार्मिक नारेबाजी का मुद्दा अब गर्मा गया है। विश्वविद्यालय के प्रोक्टर ने जांच भी बैठा दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारा लगाने वाले इस युवक की पहचान कर ली गई है। कार्यक्रम में नारे क्यों और किसके इशारे पर लगाए गए, इसकी जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल नारा लगाने वाले छात्र को निलंबित कर दिया गया है। उसका नाम वहीदुज्जमा है, BA फर्स्ट ईयर का लड़का है और आफ्ताब हाल उसको अलाटेड है। रहने वाला लड़का मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुआ है लड़का, उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से एक्शन ले लिया गया है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में धार्मिक नारेबाजी लगने पर BJP के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दी करने वाले लोगों को और गणतंत्र दिवस जैसे हमारे ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राष्ट्रीय महत्व के पर्व पर अगर इस तरह के नारे लोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को उसमें जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल MU में गुरुवार की सुबह गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम के खत्म होते ही धार्मिक नारे लगे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नारेबाजी करने वाले छात्रों में NCC के कैडेट भी दिखे थे। इधर उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत शर्तों में बदलाव कर दिया है। पीड़िता की तरफ से सेंगर के अंतरिम जमानत का विरोध किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अब अंतरिम जमानत को 2 हिस्सों में बांटते हुए सिर्फ कार्यक्रम के दौरान ही जमानत पर रहने के निर्देश दिए हैं। यानी सेंगर अब सिर्फ शादी और तिलक के कार्यक्रम के लिए ही जेल से बाहर रह सकेंगे। हाई कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव हुआ, अब जमानत 2 हिस्सों में बांटी गई है। आज जेल से छूटे सेंगर को अब 30 जनवरी को सरेंडर करना होगा, इसके बाद 6 फरवरी को जेल से रिहाई होगी और 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर बाहर रह सकेगा, जबकि पहले कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की जमानत मिली थी। दरअसल बेटी की शादी को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन 15 दिन की जमानत को लेकर पीड़िता के विरोध करने पर हाई कोर्ट ने संशोधन किया है, क्योंकि पीड़िता ने सेंगर के बाहर रहने पर अपने परिवार और केस से जुड़े गवाहों को जान का खतरा बताया था, जिसके बाद सुरक्षा के खतरों को देखते हुए हाई कोर्ट ने अहम बदलाव लिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर साल 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस UP की जगह दिल्ली में चल रहा है। जोशीमठ आपदा के पीड़ितों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब लोगों ने NTPC के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर NTPC के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पुनर्वास को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जोशीमठ खतरे में है। हम लोग द्वारा काफी टाइम से जोशीमठ संघर्ष समिति द्वारा शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, हम लोग के द्वारा आंदोलन मार्च चलाए जा रहे हैं। जोशीमठ में लोगों की नाराजगी और प्रदर्शन के बीच गूंज राजधानी देहरादून तक पहुंच गई, जहां CM धामी ने सचिवालय में अधिकारियों से हालात पर चर्चा की और उच्चाधिकारियों से अपडेट लिया, तो वहीं अब विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। जोशीमठ के मामले में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, केंद्र सरकार ने भी आंखें फेरी हुई है, राज्य की सरकार ने भी आंखें मूंदी हुई है और इन दोनों सरकारों का काम केवल NTPC को बचाने का है, उसको बचाने में लगे हैं। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष प्रभावित लोगों की मदद का दावा कर रही है, साथ ही जांच रिपोर्ट के बाद फैसला लेने की बात कही है। उनकी रिपोर्ट आएगी, वैसे तब निर्णय किया जाएगा कि करना क्या। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।